हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच बैंक है डिसाइडेड टू सेल इट्स म्यूचुअल फंड बिजनेस इज कम्प्लीटली। किस बैंक ने अपने म्यूचुअल फंड कारोबार को पूरी तरह बेचने का फैसला किया है? SBI, यस बैंक, PNB, HDFC। तो हमारे पास इसका आंसर है बी, यस बैंक ने ये फैसला किया है, वो अपने म्यूचुअल फंड बिजनेस को पूरी तरह बेच रहे हैं। क्वेश्चन टू, विच स्टेट हैज़ बिन डिक्लेयर्ड अ डिस्टर्ब्ड एरिया फॉर 6 मंथ? महाराष्ट्र, चेन्नई, असम, गोवा। सो आंसर इज असम। सो असम के बारे में जानते हैं। तो असम इज स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट और उसकी कैपिटल है हमारे पास दिसपुर। दिसपुर इज कैपिटल ऑफ असम एंड सीएम, करंटली सीएम कौन है? मिस्टर सोनेवाल, जो कि अभी पार्टी किसकी रूलिंग है यहाँ पे, असम में BJP की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हुज मैन ऑफ द ईयर हैज बीन अवॉर्डेड बाय द मुस्लिम 500 मैगजीन? एक मैगजीन है मुस्लिम 500, उसने किसको सम्मानित किया, मैन ऑफ द मैन दिया गया है? इमरान खान को दिया गया ये जो कि अवार्ड है। तो इमरान खान कौन है? तो ये इमरान खान कौन है? इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है और इनकी जो पार्टी है ये चेयरमैन है PTI के। और पाकिस्तान के बारे में जानते हो, पाकिस्तान की कैपिटल कौन है? इस्लामाबाद। क्वेश्चन फोर, हु हैज परचेज अ सर्कल। क्वेश्चन फोर, हु हैज परचेज द सर्कल लोकल इंटरनेट, अ हाइपर लोकल इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म? माइक्रोसॉफ्ट, शेयर चैट, एमेजोन एंड फेसबुक। तो इसको किसने परचेज किया है? शेयर चैट ने। क्वेश्चन नंबर फाइव, हु हैज रिटन अ बुक कॉल्ड ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज? ये बुक किसने लिखी है? सुधा मूर्ति, स्मृति रानी, चेतन भगत, अनुरुति रॉय। तो इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए, सुधा मूर्ति। क्वेश्चन नंबर सिक्स, हु हैज लॉन्च द सगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी? ये पॉलिसी किसने लॉन्च की है? HDFC, SBI, LIC मैक्स। तो इसको लॉन्च किया गया है SBI की तरफ से, SBI जनरल इंश्योरेंस ने ये लॉन्च किया है। क्वेश्चन सेवन, हु बिकम फर्स्ट फास्ट बॉलर टू टेक 600 टेस्ट विकेट्स? स्टुअर्ट ब्रॉड, जेम्स एंडरसन, जहीर खान, मिचेल स्टार्क। तो किसने ये विकेट लिए हैं 600 टेस्ट क्रिकेट में? इसका आंसर ऑप्शन बी है हमारे पास, जेम्स एंडरसन। तो जेम्स एंडरसन के बारे में जानते हैं, कौन है ये जेम्स एंडरसन? कौन है वो? एक इंटरनेशनल प्लेयर है, क्रिकेट खेलते हैं इंग्लैंड की तरफ से। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे सारे डिटेल्स उनकी डेब्यू मैचेस की, और इनसे पहले भी तीन लोगों ने 600 विकेट लिया है, लेकिन वो स्लो है, स्लो बॉलर थे। तो सबसे पहले किसने लिया था ये यहाँ पे मेंशन है, तीन लोगों ने। एक हमारे इंडियन प्लेयर भी हैं, कुंबले जी, उन्होंने भी लिया है। क्वेश्चन एट, हु चेयर द 41st GST काउंसिल? तो GST काउंसिल के अध्यक्षता किसने करी है आज? निर्मला सीतारमण ने, जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और इन्होंने जो आज ये मीटिंग करी है वह वीडियो कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली। कौन सी मीटिंग थी ये? 41st। इससे पहले 40 मीटिंग्स और ऑलरेडी हो चुकी है जीएसटी काउंसिल से। क्वेश्चन नंबर नाइन, विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया? NH 44, NH 1, NH 2, NH 10। तो लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल हाईवे कौन सा है? NH 44, नेशनल हाईवे। NH 44 इज द लॉन्गेस्ट
रनिंग मेजर नॉर्थ साउथ नेशनल हाईवे, और ये कहाँ से निकलता है, ये यूटी जम्मू एंड कश्मीर, तो कहाँ तक जाता है ये, तमिलनाडु का, ये सारे स्टेट्स मेंशन कर रखे हैं, आप यहाँ पे वीडियो को पोस्ट करके पढ़ सकते हैं। और इसका जो मेंटेनेंस का काम कौन करता है, CPWD। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का क्या नाम था, SLV-1, SLV-2, SLV-3, PSLV-1। तो इसका आंसर हमारे पास SLV-3। सो SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इंडिया का जो पहला एक्सपेरिमेंटल लॉन्च व्हीकल था, और ये सक्सेसफुली लॉन्च हुआ था, और इसरो का जो हमारा हमारे इंडिया का जो पहला सैटेलाइट, फर्स्ट सैटेलाइट का क्या नाम था, आर्यभट्ट, जो कि हमने सोवियत यूनियन मतलब कि रशिया की मदद से 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया था। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि और क्या क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए। थैंक यू।